यहाँ पे है सज्जा कोटी बुर्ज, द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू, ट्रिमेंडस। साइड से भी देख सकते हो गाइस, काफी अच्छा लग रहा है, काफी थ्रिलर है, अम्यूजमेंट है, अमेजिंग है गाइस। गाइस ये वाला वो हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज जी को यहाँ पे नजर कैद में रखा गया है। ये सज्जा कोटी है गाइस, मेजरमेंट इतना करेक्ट है गाइस, आप लोग देख सकते हो सब तरफ का मेजरमेंट काफी सॉलिड है। ये है यहाँ की स्कूल गाइस, पनाड़ा विद्या मंदिर पनाड़ा। तो ये कुछ ऐसे नजारा है गाइस यहाँ पे, पनाड़ा नगर परिषद पनाड़ा। दुश्मन लोग पानी में कोई पॉइजनिंग वगैरह ना करे, इसके लिए ये कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किया गया था। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर स्टोर किया जाता था, एक कुआं है गाइस। ये है तीन दरवाजा स्पॉट, काफी खूबसूरत सा लगता है यहाँ पे तीन दरवाजा ये स्पॉट का नजारा। यहाँ पे प्लेइंग के लिए यहाँ पे ऐसे ये गेम्स वगैरह दिखाई देंगे गाइस जैसे हम लोग अंदर आते हैं। तो ये दरगाह का नज़ारा कुछ इस तरीके से पीछे देख सकते हो, काफी अच्छे से बनाया हुआ है। हेलो गाइस, मायसेल्फ राज तांबोली एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। पनाड़ा ये सेकंड पार्ट का आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज ये पनाड़ागढ़ के ऊपर हम लोग अभी आए हैं धान्य कोठार, जहाँ पे अनाज का पूरा स्टोरेज किया जाता था। वो मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, उस ज़माने में ये सब कुछ बांधा हुआ है गाइस। ये बैक साइड आप लोग देख सकते हो नज़ारा, तो इसको अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये कुछ मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, ये है अनाज गोडाउन, यहाँ पे देख सकते हो, अंदर चल कर देखते हैं। ये कुछ बाहर से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत सा आ रहा है, ये देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, अंदर चल कर देखते हैं। ये भी बैक साइड का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा बांधा हुआ है गाइस, यहाँ से देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ऊपर जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर से स्टोरेज किया जाता था यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे। ये पूरा अनाज का गोडाउन है, उस वक्त यहाँ पे पनाड़गढ़ के ऊपर यहाँ पे अनाज स्टोरेज किया जाता था। ये पिलर्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स इस साइड से भी देख सकते हो, ये पिलर्स पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ है ये गोडाउन का, काफ़ी बेस्ट तरीके से अब तक सॉलिड तरीके से यहाँ पे खड़ा है गाइस। ये हिस्टोरिकल प्लेस हमको उस वक्त की याद दिलाता है। तो आप लोग देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी सॉलिड तरीके से किया गया है। ये पूरा ओवरऑल नज़ारा उस वाले गेट तक, ये पूरा इस तरीके से है गाइस। और ऐसे तीन गोडाउन है गाइस, साइड में और दो है उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है गाइस, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया है। और आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, ऐसे ही पूरे एंड तक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस साइड भी आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन दिखेगा, इस साइड भी ऐसे ही कंस्ट्रक्शन दिखेगा। मेजरमेंट इतना करेक्ट है गाइस, आप लोग देख सकते हो सब तरफ का मेजरमेंट काफ़ी सॉलिड है। और ये वाला जो सर्कल बनाया हुआ है ये डोर, इसका भी आप लोग कर्व देख सकते हो गाइस, काफ़ी बेस्ट बनाया है। तो बहुत ही अच्छा और बेस्ट बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। आप जब भी कोल्हापुर आते हो तो पनाड़ा ये साइड को विजिट ज़रूर कीजिएगा गाइस। इस साइड भी आप लोग देख सकते हो ये पिलर्स, ये टोटल जो कंस्ट्रक्शन है इसके बीच वाले में बनाए हुए गाइस, ये ओवरऑल आप लोग देख सकते हो। कुछ नज़ारा इस तरीके से है, इस साइड भी आप लोग देख सकते हो ये ओवरऑल नज़ारा गाइज। उस वाले अनाज गोडाउन के बाहर आने के बाद ये बाहर से नज़ारा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक अनाज का गोडाउन है और इस साइड पे भी अनाज का गोडाउन है। तो ये एक दो और तीन, ऐसे तीन अनाज गोडाउन पनाड़ा के ऊपर बनाए गए थे गाइस तब के टाइम पे। तो कुछ ओवरऑल बाहर का नज़ारा इस तरीके से, चलते इसके ऊपर चलकर देखते। ये पूरा ब्लैक रॉक्स में बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये वाला कंस्ट्रक्शन, ये वाला कंस्ट्रक्शन और ये वाला कंस्ट्रक्शन पूरा ब्लैक रॉक्स में बनाया हुआ है। कुछ सीढ़ियों का नज़ारा इस तरीके से है यहाँ पे, काफ़ी स्टेप्स बड़े हैं गाइस यहाँ पे, चलते ऊपर चढ़कर देखते हैं। तो ये कुछ नज़ारा ओवरऑल ऐसे छोटा सा यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम जैसे उधर वाला गोडाउन था वैसे ये वाला है। और यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है गाइस यहाँ से, ये देख सकते हो ऊपर चढ़कर देख। ये कुछ ऊपर वाला नज़ारा ऐसे, ये यहाँ से
जो भी कुछ अनाज था तब का वो यहाँ से डाला करते थे, ये स्टोरेज में, ये गोडाउन में। ये देख सकते हो काफ़ी बेस्ट यहाँ से लगता है, ये जो होल्स है इसमें से अनाज डाला करते थे। ऐसे ठीक जगह जगह पे बनाया गया है, वहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, कुछ इस तरीके से नज़ारा है। आप लोग देख सकते हो ओवरऑल गाइस, यहाँ पे काफ़ी बॉयज़ मिल गए थे, काफ़ी एक्साइटेड यहाँ पे इनसे सबके साथ इंटरेक्शन हुआ गाइस। ये मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ इनके साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हॉक ट्रैवलर को। जैसे हम लोग यहाँ से इस ये वाली सड़क से इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे है सज्जा कोटी बुर्ज। ये कुछ मेरे बैक साइड आप लोग नज़ारा देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से गनाड़े पन्हाड़गढ़ पे ऊपर यहाँ पे आने के बाद सज्जा कोटी बुर्ज ऐसे लगता है। यही जगह पर यहाँ पे कुछ ऐसे रिफ्रेशमेंट के स्पॉट भी मिलेंगे आपको, और यहाँ से ऊपर से हिल का और वैली का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल आता है, काफ़ी ट्रिमेंडस आता है। ये कुछ नज़ारा यहाँ का देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, ये कुछ इस तरीके से ऊपर चलकर हम लोग देखते हैं। ये पीछे की सड़क लेकर हम लोग आए हुए हैं, तो ये यहाँ से चढ़ के जाना है ऊपर की ओर, कुछ इस तरीके से नज़ारा है। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है यहाँ से, आप लोग देख सकते हो द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू, ट्रिमेंडस आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे। काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। ये वैली का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ये टॉप पे हम लोग पन्हाड़गढ़ ये एरिया में, ये साइड से भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी थ्रिलर है, अम्यूजमेंट है, अमेजिंग है यहाँ का ओवरऑल नज़ारा। ये मेरे बैक साइड आप लोग खाई का नज़ारा देख सकते हो, ये टॉप पे, यहाँ पे हम लोग साइड वाले भी पहाड़ी एरिया देख सकते हो। तो ये कुछ है सज्जा कोटी बुर्ज का नज़ारा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलती है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, और इस वाली साइड को भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ से। ये कुछ ओवरऑल सज्जा कोटी बुर्ज का नज़ारा कुछ इस तरीके से, हवा काफ़ी तेज़ चलती है यहाँ पे। ये यहाँ पे गांव का नज़ारा आप लोग नीचे देख सकते हो, बहुत ही बेस्ट लगता है गाइज यहाँ पे आने के बाद। गाइज ये मेरे बैक साइड आप लोग देख रहे हो, ये है सज्जा कोटी ये प्लेस का नज़ारा। यहाँ पे मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सज्जा कोटी। इसका हिस्टोरिकल मालूमात इस तरीके से, छत्रपति संभाजी महाराज जी को यहाँ पे नज़र कैद में रखा गया था, वो वाला एरिया यहाँ पे सज्जा कोटी। चलते हैं इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे गेट है, और अभी यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया गया है मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पे सज्जा कोटी की ओर जाने वाला रास्ता ऐसे दिया है, तो अंदर चलकर एक्सप्लोर करते हैं। ये वाला वो हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज जी को यहाँ पे नज़र कैद में रखा गया था। ये सज्जा कोटी है मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, प्राचीन बनावट है, 3 मंजिला यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। ये मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, अंदर चलकर देखते हैं गाइस इसको। ये वाला ऐसे एंट्री है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये कुछ बाहर से नज़ारा इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत सा लगता है यहाँ पे, ये बिल्डिंग का नज़ारा। ये उस वक्त 3 मंजिला यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन बांधा गया था। ये है सज्जा कोटी, इसी के अंदर छत्रपति संभाजी राजे इनको यहाँ पे नज़र कैद में रखा गया था। ओवरऑल बाहर से नज़ारा कुछ इस तरीके से है, ये बनावट आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सी बनावट। ये जो बालकनी टाइप यहाँ पे बनाया गया है ऊपर की ओर, वो भी काफ़ी खूबसूरत सा है। ये पूरी बनावट आप लोग देख सकते हो गाइस, अंदर चलकर देख। ये कुछ नज़ारा इस तरीके से है अंदर जाते वक्त, ये आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से ओवरऑल यहाँ का अंदर का सब कुछ दिखता है, और ये भी बनावट आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत से बनाया गया है। यहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छे से आता है, और ठंडी ठंडी हवा यहाँ से चल रही है वो महसूस कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है ये कुछ इस तरीके से। और ये बैक साइड में आप लोग देख सकते हो, ये फारसी शिलालेख लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल नज़ारा है। उस वाले एरिया से हम लोग जैसे ही बाहर की ओर निकलते हैं तो ये वाला सीढ़ियों का एरिया आपको दिखेगा, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है, जो कि 3 मंजिला जो ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है उसका ये ऐसे यहाँ पे चढ़ने के लिए जगह है। तो सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी आपको सीधा ऊपर। चलते गाइस ऊपर की ओर,
ये काफी बड़े बड़े सीढ़ियां हैं यहाँ पे, बहुत ही स्टेप्स काफी बड़े, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त के लोग कितने फिट रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से नजर आए। और ये वाला जो यहाँ पे स्पेस है, ये वेंटिलेशन के लिए, निगरानी रखने के लिए और लाइट पास होने के लिए ऐसे किया गया। ये टाइप ये सीढ़ियों का नजारा कुछ इस तरीके से, ऐसे ही ऊपर जाना है यहाँ से। ये ऊपर आने के बाद ये सब कुछ नजारा इस तरीके से दिखता है। तो ये कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हो गाइस, कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ से बनाया गया है गाइस। ये देख लो आप, इस साइड भी देख सकते हो, ये मेजरमेंट आप लोग देख सकते हो, एक्यूरेट मेजरमेंट है गाइस, इस साइड का और इस साइड का बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट है। ये सब कुछ नजारा, यहाँ से भी ऊपर जाने का एरिया है गाइस, बट ये लॉक है, हम लोग नहीं जा सकते। और ये यहाँ से हम लोग नीचे से हम लोग आए थे, वो वाला नजारा देख सकते हो। ये ओवरऑल ऐसे यहाँ का पूरा नजारा है, इस साइड भी देख सकते हो गाइस। और यहाँ से ये वाला कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो आप, पूरा ओवरऑल काफी खूबसूरत बनाया गाइस। ये भी देख सकते हो, काफी बेस्ट नजारा है गाइस, यहाँ पे बहुत ही बेस्ट लगता है गाइस। और इस साइड से माइंड ब्लोइंग नजारा है गाइस, आप लोग देख सकते हो नीचे के ओर का। और हम लोग वो वाली सड़क लेकर यहाँ से आए हैं गाइस, वो वाली, वहाँ से वो सड़क से ये वाला पॉइंट हमको आसानी से दिखता है गाइस। तो कुछ नज़ारा इस तरीके से, ये कुछ ओवरऑल नज़ारा। और यहाँ पे ऐसे दूर दूर तक देखने के लिए हमको यहाँ से दूर दूर तक जो पॉइंट दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेलीस्कोप से देख सकते हैं गाइस, उसकी भी यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है। तो ये ऐसे ओवरऑल यहाँ से बाहर वाला नज़ारा देखने के लिए, ये तब ऐसे बनाया गया था गाइस, काफ़ी बेस्ट है गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा आता है गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आता है। ये ओवरऑल नज़ारा है सज्जाकोटी एरिया का। ये वाली सड़क से हम लोग जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे पन्हाड़ा विद्या मंदिर पन्हाड़ा, ये कुछ नज़ारा यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा गाइस। ये है यहाँ की स्कूल। तो कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है गाइस स्कूल का। यहाँ पे सामने ग्राउंड है, ये स्कूल है, और इस साइड पे है पन्हाड़ा नगर परिषद, वो बिल्डिंग वहाँ पे देख रहे हो गाइस। वो भी पुरातन बिल्डिंग है, प्राचीन बिल्डिंग है, वहाँ पे पन्हाड़ा नगर परिषद है। ये पन्हाड़ा जो है ये आता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का तालुका प्लेस है गाइस। तो ये वाली सड़क से हम लोग आए हुए हैं, तो इस तरीके से है गाइस यहाँ का नज़ारा। ये स्कूल है और यहाँ पे है पन्हाड़ा नगर परिषद, जो कि तालुका प्लेस है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का, ये देख सकते हो मेरे बैक साइड पे गाइस। तो ये कुछ ऐसे नज़ारा है गाइस यहाँ पे पन्हाड़ा नगर परिषद पन्हाड़ा की। ये है तीन दरवाज़ा स्पॉट, ये कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस बाहर से, तीन दरवाज़ा स्पॉट है गाइस। तो चलते हैं इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm
I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Guys, ये वाला स्पॉट है अंधार बाव, ऐसे मराठी में बोला जाता है। इसका मीनिंग है गाइस, यहाँ पे अंधेरे में बांधी हुई एक कुआं टाइप है गाइस। उस वक्त ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड किया गया था गाइस, मतलब दुश्मन लोग पानी में कोई पॉइजनिंग वगैरह ना करे, इसके लिए ये कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किया गया था। बैक साइड में आप लोग देख सकते हो गाइस, ये ओवरऑल इसका नज़ारा। इसके अंदर एक कुआं बनाया है गाइस ड्रिंकिंग वाटर का, तो चलते हैं अंदर से एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये भी ब्लैक रॉक्स में बनाया है गाइस पूरा, तो एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे पूरी ब्लैक रॉक्स में बनाई हुई है गाइस, और यहाँ पे है वो वाले कुएं का नज़ारा गाइस। ये नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है गाइस वो नज़ारा कुछ ओवरऑल। ऐसे यहाँ से नीचे जाने के बाद वाटर लेवल देख सकते हो, ये ढका हुआ है गाइस पूरा। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर स्टोर किया जाता था, एक कुआं है गाइस यहाँ पे। इस वाले कुएं के लिए उतरने के लिए यहाँ से सीढ़ी है, वहाँ से हम लोग इस साइड में आके हम लोग ऐसे यहाँ से नीचे उतरकर वो कुआं देख सकते हैं गाइस। चलते हैं नीचे की ओर। ये कुछ सीढ़ियाँ ऐसे गाइस, काफ़ी गहे तीखा स्लूप है गाइस यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। और ये पूरा ब्लैक रॉक्स में बनाया हुआ है गाइस ओवरऑल। यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ है गाइस, और यहाँ पर आने के बाद कुछ नज़ारा। अभी मैंने आपको ऊपर से इन्फॉर्मेशन दी थी गाइस, ऊपर से ऐसे दिखता है। और ये वाला कुआं यहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है गाइस, आप लोग देख सकते हो बैक साइड में। तो सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से है ये वाला ऐसे अंधेरा कुआं, ऐसे इसको नाम दिया है गाइस। ये देख सकते हो मेरे बैक साइड पे। और ये कुएं की खासियत ये है गाइस, इसका ना पानी कम होता है ना बढ़ता है, मतलब अगर बारिश हेवी बारिश हो गई तो ये पानी वाटर लेवल ऊपर नहीं आता, और अगर अकाल हो गया या बारिश कम हो गई तो ये पानी भी नीचे नहीं जाता, ये लेवल वाटर लेवल सेम एज इट इज़ रहता है। तो इस तरीके से ये कुआं बनाया गाइस तब के ज़माने में। और ये अंधेरा कुआं इसलिए कहा जाता है कि इसको वाटर प्रोटेक्टेड किया गया था गाइस। तो कुछ नज़ारा इस तरीके से है गाइस, ये ऐसे ऊपर से ये पूरा ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से दिखता है गाइस, ऊपर का पूरा। गाइस उस वाले वो कुएं के सामने फ्रंट में हमको ये वाला कुछ यहाँ पे प्लेइंग के लिए यहाँ पे ऐसे ये गेम्स वगैरह दिखाई देंगे गाइस, ऐसे बाइक्स वगैरह है जिसकी राइड आप लोग यहाँ पे आने के बाद कर सकते हो। ये पर पर्सन 100 रुपीज़ है, और दो अगर पर्सन होंगे तो 150 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से खूबसूरत से बाइक है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये ओवरऑल नज़ारा। यहाँ पे ये बाइक्स की राइड भी कर सकते हो आप, ये इस टाइप से है कुछ नज़ारा, इसकी भी राइड कर सकते हो गाइस आप लोग। और ये भी यहाँ पे बाइक्स है, इलेक्ट्रिकल बाइक का भी राइड कर सकते हो गाइस। और ये ऐसी फैमिली अगर होगी तो ये बस में बैठ कर आप लोग पन्हाड़ा पूरा घूम सकते हो गाइस। तो ये कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है गाइस यहाँ पे। गाइस जैसे हम लोग पन्हाड़े की तरफ जाते हैं तो वहाँ से रिटर्न कोल्हापुर रोड की तरफ हमको ये दरगाह लगेगी गाइस, हज़रत पीर शहादुद्दीन खतावली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पन्हाड़ा, ये कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो ये दरगाह का नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस, ये पीछे देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पे। बैक साइड में आप लोग देख सकते हो ये ओवरऑल नज़ारा। चलते हैं अंदर से देखते हैं गाइस, ये ऐसे अंदर जाने के लिए बनाया है गाइस दरगाह के अंदर। ये ऐसा ओवरऑल यहाँ पे नज़ारा है गाइस, काफ़ी पीसफुली यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेंट वाली जगह है गाइस। ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ऊपर तक है ये, और ये नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस। ये कुछ ओवरऑल दरगाह का नज़ारा अंदर से ऐसे है गाइस।
ये देख सकते हो मेरे बैक साइड में, और ऊपर का नजारा भी देख सकते हो गाइस आप। ये पनाड़ा के ऊपर जैसे हम लोग आते हैं कोल्हापुर की ओर से, तो ये दरगाह हमको देखने मिलेगी गाइस। ये कुछ इस तरीके से है, और बाहर का नजारा भी आप लोग देख सकते हो गाइस, सब कुछ यहाँ पे। ये ऐसे ओवरऑल यहाँ पे नजारा है गाइस दरगाह का, ये आप लोग देख सकते हो पूरा ओवरऑल नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बनाया गया है गाइज ये दरगाह को। हे गाइज, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताइएगा गाइज, और मेरा चैनल हॉक ट्रैवलर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।